हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारानी। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। तो जो आज की वीडियो है वो वीडियो है एक बाप और एक बेटी की, जो आपने सुन लिया होगा। 50 साल के बुढ़े ने शादी की इसकी 26 साल की लड़की से, ठीक है। और उस 26 साल की लड़की को जो आदमी है 50 साल का, उसकी जो पहली वाइफ से बेटी है 17-18 साल की है वो, उसने उसके चाकू यहाँ पर थर्माकोल से, जो थर्माकोल कटर होता है, जैसे थर्माकोल कट करते हैं उससे इसके यहाँ पर कट कर दिया है। तो अब वो जो उसकी न्यू वाइफ है, आई मीन उसकी लड़की की स्टेप मदर, सौतेली माँ जो है, और जो लड़की का बाप है, वो उस लड़की को जेल में डलवाने कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको जेल में भेजा जाए, ताकि जिसको काटा है उसको इंसाफ मिले, ठीक है। और जो बूढ़ा आदमी है, मैं तो उसे बूढ़ा आदमी कहूँगी, उससे भी घटिया आदमी, गिरा हुआ आदमी है वो, जो अपनी बेटी को जेल में डलवाने की सोच रहा है, किसके लिए? 26 साल की लड़की के लिए। पहले तो उसे बूढ़े को शादी करते हुए शर्म नहीं आई कि तेरे दो दो बच्चे, एक लड़की की उसकी, जबकि उसकी एक लड़की की शादी हो रही है जो 23 ईयर्स की है, ठीक है। उसका उससे छोटा उसका एक बेटा है जो 20 ईयर्स का है, उससे छोटी फिर एक बेटी है जो 17-18 साल की, जिसने चाकू से कटर उसके गला काटा है, मरी नहीं है, जिंदा है, ठीक है। वो हल्का सा कट लगा है, लेकिन वो लड़की जो है वहां से डर के भाग गई है, वो घर पर नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप चाहते हैं, जो सौतेली माँ है और उसका जो बाप है, चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसको जेल में भेजा जाए। तो सबसे पहले बूढ़े की शर्म नहीं आई, मतलब 25 साल की लड़की के साथ, ये देख तेरी बेटी की शादी हो रही है, तेरी बेटी की उम्र की लड़की है वो, तुझे शादी करने की जरूरत क्या पड़ी थी इस उम्र में? कौन सी तेरी उम्र निकल जाती शादी करने की? 50 साल का तो बुढ़ा हो रहा है, अपने हो 2-3 साल में अपने लड़के की शादी करता, उसकी बहू आती वो तेरी सेवा करती, अपना कहीं टाइम काटता। तो ये तो बुढ़ापे में शादी करने की पड़ी है, 50 साल की उम्र में शादी कर रहा है 26 साल की लड़की से, तो क्या तेरे जो बच्चे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का? क्या वो किसी के साथ भागेगी? नहीं, उस बच्चे की मेंटली, ये देखा 17-18 साल की लड़की है वो, 50 साल का तू है, शादी कर लेते 24-25 साल की लड़की से, तो उस लड़की के दिमाग क्या बीत रही होगी उस लड़की के ऊपर? और क्या पता कि सारी गलती उस लड़की की है, उसने ऐसे थोड़ा चाकू मार दिया, कुछ ना कुछ कहा होगा, जो तेरी न्यू वाइफ है उसने कुछ ना कुछ कहा होगा, कुछ ना कुछ गलत बोला होगा उसको, तभी तो उसे गुस्सा आया होगा। ऐसे पागल थोड़ी ना है कि एक हफ्ते से, एक महीने से रह रही थी अच्छे से उसके साथ, तो फिर अचानक से उसकी गर्दन पर चाकू क्यों मार दिया? इसलिए कहती हूँ कि अकेले बाप बाप जो है ना, वो सिर्फ बाहर की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, घर की जो देख रेख है और बच्चों की केयर है ना, वो सिर्फ माँ कर सकती है। अगर उसकी क्या सौतेली उसकी जो माँ है वो जिंदा होती, तो आज ये नौबत ना आती उस लड़की के साथ कि अपने घर से ही भागना पड़ गया। और जब उसने उसके गले पे चाकू मार दिया, तो उसके जो बाप है उसका, उसने अपनी लड़की को इतनी कोहनी मारी, इतनी कोहनी मारी कि कोहनी मारते मारते ना वो लड़की बेहोश हो गई। ये नहीं पूछा कि क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है, और अब भी बोल रहा है कि उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। अरे बुड्ढे खुसर, तू तो अपने लिए लिया है वाइफ, वो कहाँ जाएगी? वो नाबालिग लड़की 17-18 साल की, उसे तो जेल में डालने की सोच रहा है, उसका भविष्य कैरियर पर वो खराब करने की सोच रहा है। ये भी बोला कि अगर वो घर आके माफी मांग ले तो फिर तो उसे माफ कर दोगे ना? कहने लगे नहीं, मेरी जान को खतरा है, मैं तो उसको जेल में ही डलवाऊंगी। ये नहीं सोच रहा कि तेरी जवान लड़की 17-18 साल की है, उस पर क्या उसका कैरियर को खराब करने की सोच रहा है? तेरी उम्र शादी करने की नहीं थी, तेरी उम्र थी अब बैठकर अपना घर संभालने की। एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी की शादी करता, बहू आती तेरी कुछ सेवा पानी करती है, और ऐसी वो लड़की कैसे उसने शादी कर ली? मतलब 26 साल की लड़की ने 50 साल के आदमी शादी क्यों कर ली? क्या उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा था, या फिर उसने भी शादी लालच में की है? कुछ ना कुछ लालच होगा उस लड़की को, जब शादी की उसने 26 साल, 50 साल के बुड्ढे के 26 साल की लड़की क्यों आएगी? उसको भी जरूर कुछ ना कुछ लालच है, जब तो वो आई है। पता नहीं यार, तो ऐसे भी बाप होते हैं, मतलब अपनी वाइफ के लिए अपनी लड़की को जेल में डलवा दो, कि हो सकता है कि उस औरत ने कुछ कहा हो, उसे कुछ छेड़ा हो, या फिर उसे कुछ नापसंद आया हो, कौन बर्दाश्त करेगा कि हमारे बाप, हमारी हमारा बाप जो है, हमारी माँ के मरने के बाद अपने बच्चों की उम्र की लड़की से शादी कर ले? कौन बाप बर्दाश्त, कौन औलाद बर्दाश्त करेगी? और ऊपर से तू सब मार रहा है,
शादी करने की उम्र ही नहीं थी, शादी करनी नहीं चाहिए थी, शादी करने की उम्र थोड़ी ना हो रही थी अब तेरी, अब तो अब ते पोता पोती खिलाने की उम्र हो रही थी। और मैं उसे आने नहीं दूंगा, मैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा, जेल भी डालूंगा। अरे उसे बुला, वो डर के उसे घर बुलाओ, समझाओ, उसे गलती हो भी गई उसे बैठ के बात करो, शांति में बात करो, उसे समझाओ, और शायद वो आगे से दोबारा गलती ना करे। उसे बैठ के पूछो क्या मैटर था, हो सकता है कि आपकी वाइफ ने कुछ कहा हो, कुछ बोला हो गलत सलत, जब वो उसने ऐसा कदम उठाया हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग उसे जेल में डलवाकर उसका कैरियर खराब करवा दोगे। अरे 18 साल की लड़की है, कुछ तो सोचो उसके बारे में कि उसका कैरियर खराब करा दोगे तुम बिल्कुल। उस बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान देने से तो रहा कि इनकी माँ नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर इन पर ध्यान दूँ, अपनी बुढ़ापे में अपनी शादी रचा रहा है। जहाँ बच्चों की शादी करनी है वहाँ अपनी शादी कर रहा है, वही 26 साल की लड़की से, और वही पता नहीं क्यों आ गई, उसे किस चीज़ का लालच था, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी का उसे लालच होगा, जब भी तो वो आई है, वरना 26 साल की लड़की को कोई लड़का नहीं मिल रहा था। तो इसलिए कहती हूँ कि पर जरूरी नहीं है कि बाप जो है वो अच्छे बाप जो है हमारा खर्चा चला सकते हैं, हमारे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे संस्कार दिए जाते हैं ना वो सिर्फ माँ देती है। घर रहकर बाहर जो बाप होता है वो बाहर की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, और जो माँ होती है वो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है। अगर आज उस बेचारी की माँ होती ना तो ये नौबत ना आती, वो घर से बेघर ना होती, उसका बाप उसके पीछे ना पड़ता ऐसे जेल में डलवाने के लिए, वो घर छोड़ कर ना भागती। खुद को तो शर्म आई नहीं, और उस ना बेचारी बच्ची पर बच्ची के साथ इतना गलत कर रहा है, ये भी नहीं पता कि कहाँ है बच्ची, कहता है जहाँ मर्गी मर जान दे, ये भी नहीं पता कि बच्ची कहाँ भाग गई है, कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी साथ है, कुछ उसका गलत तो नहीं हो गया, कुछ वो कहीं कुछ गलत ना कर ले जेल के डर से, जेल में जाने के डर से। पता नहीं कैसे पापा ना अपनी वाइफ को समझा रहा कि उसने भी तो कुछ बोला होगा, ऐसे थोड़ा उठा के उसे चक्कू से गर्दन काट दी, और कौन बर्दाश्त करता है अपना कि हमारा बाप दूसरी शादी करे, वो भी जब जब चलो तो माना कि एक मजबूरी है, उसकी माँ मर गई थी बचपन में, छोटे छोटे बच्चे थे नहीं पल रहे थे, ठीक है शादी कर ली दूसरी। अरे 18 साल के, 23 23 साल के, 25 साल के बच्चे हो रहे हैं, उसके बावजूद शादी कर रहा है एक 26 साल की लड़की से, और कितनी शातिर बन के दिखा रही है वो लड़की कि नहीं मैं तो उसे जेल में डलवाऊंगी, ये भी बोल दी चलो वो माफी मांग लेगी, उसे गलती होगी होगी, आगे से वो नहीं करेगी ऐसा, कहने लगी नहीं मेरी जान को खतरा है, मैं तो उसको माफी कराऊंगी, वो फांसी कर जेल में डलवाऊंगी। ऐसा क्या तू सबको यहाँ से निकलवा कर और अकेली पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है, सिर्फ इसलिए आई है कि रास्ते के जो कांटे हैं सबको हटा दो, सबको भगा दो, और जितनी भी प्रॉपर्टी है सब पर एक की शादी होगी, एक को घर से निकलवा दिया, बचा कौन बेटा, तो अब की बार उस बेटे की बारी है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं आपकी राय क्या है उस बूढ़े आदमी के बारे में। मैं गलत शब्द बोलती नहीं हूँ ना, कभी इतनी बदतमीजी से बोलती हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना, बूढ़ा आदमी 50 साल का 26 साल की लड़की शादी कर लाया और अपनी ही बेटी को जेल में डलवाने की सोच रहा है, फिर ये सोचो कि 18 साल की लड़की है, उसका कैरियर खराब हो जाएगा, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आगे क्या करेगी लाइफ में, वो कुछ नहीं, बस अपने मजे देख, बुढ़ापे में अपने मजे तो देख रहा है, बच्चों के मजे कुछ नहीं।